तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का, विशेष आरएनडी टीम एमकेसी की। अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू एमकेसी। बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ICG GD का मॉडल पेपर फॉर फिजिक्स। तो आइए बच्चों आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो स्प्रिंग के नियतांक यानी स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है, कितना आ जाएगा देखो, K1 इज इक्वल टू 1500 एंड K2 इज इक्वल टू 3000 को एक समान बल से खींचा जाता है, यानी फोर्स क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। अगर फोर्स बराबर है तो F1 इज इक्वल टू F2 यानी KX1 इज इक्वल टू KX2 ये होगा। तो यहाँ से देखो X1 अपॉन X2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, X1 अपॉन X2 इज इक्वल टू X1 अपॉन X2 यहाँ 2 आएगा तो K2 अपॉन में K1, K2 की वैल्यू कितनी है 3000 एंड K1 की वैल्यू कितनी है 1500, तो ये आ जाएगा 2 यानी X1 अपॉन X2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई बच्चों, X1 अपॉन X2 की वैल्यू 2 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशियो, इसके पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर मान ले हम पहले वाले का पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट के लिए अगर हमारा P1 है, सेकंड के लिए P2 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ K1 X1 स्क्वायर अपॉन हाफ K2 X2 स्क्वायर, देखो 1/2 कैंसिल। और K1 अपॉन K2 की वैल्यू कितनी है, K1 अपॉन K2, K1 की वैल्यू 1500 एंड K2 की वैल्यू कितनी है 3000 और X1 अपॉन X2 की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी है, देखो यहाँ से 2 अभी हमने फाइंड किया था। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, X1 अपॉन X2 होल स्क्वायर, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 स्क्वायर, तो एक 2 से 2 कैंसिल तो सिर्फ बच जाएगा 2 यानी 2:1 यानी फर्स्ट का आंसर आ गया सी यानी C4 चेन्नई। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, किसी बांध से डी मीटर नीचे एक पंचक्की पर पानी गिराया जाता है, तो पंचक्की पर पानी का वेग कितना होगा, यानी इफ वाटरफॉल फ्रॉम अ डैम इन टू टर्बाइन विल डी मीटर बिलो द वेलोसिटी ऑफ वाटर टर्बाइन। वाटर टर्बाइन की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी इज इक्वल टू आपने पढ़ा है √2gh होता है, तो देखो 2 की जगह 9.8 और h की वैल्यू कितनी गिवन है, हाइट डैम यानी डी दे रखा है, h की जगह कितना दे रखा है डी। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 10, तो देखो और ये 98 to 196 D/10 तो 196 की वैल्यू 14 अपॉन में 3 point something आएगा √D। अब देखो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 3 4 12 लगभग 4 point something आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर D आएगा बच्चे, यहाँ पे कितना आएगा D आएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.43 √D मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल। बच्चों एक वर्टिकल सर्कल है यानी इस टाइप का एक
सर्कल है इसमें मूव कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है इस सर्कल में मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो देखो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, टेंशन लगेगा और एम जी लगेगा। तो यहाँ से बच्चों टी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। टेंशन की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अगर हम किसी एंगल पे हम देखें तो किसी भी हम एंगल के लिए हम चेक करें तो ये फॉर्मूला आपको याद है, T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो टेंशन T1 T2 के लिए हमें पूछ रहा है, तो T1 के लिए कितना गिवन है 30 डिग्री, तो जब यहाँ 30 रखेंगे तो √3/2 यानी कितना आ जाएगा, √3 की वैल्यू 1.73/2 यानी 0.8 समथिंग आएगा, 86 आ जाएगा। और जब 60 रखेंगे तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1/2, तो 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.5। यानी जब एंगल हमारा 30 होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब टेंशन ज़्यादा होगा, और जब ये वैल्यू कम होगा 30 रखेंगे तो टेंशन कम होगा, यानी T1 इज ग्रेटर देन होगा T2 के। क्लियर है बताओ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पृथ्वी का कोणीय वेग होता है, तो बच्चों पृथ्वी का कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो 2π/T, और टी कितना होता है पृथ्वी के लिए, एक दिन का 1, और इसको सेकेंड में बदलेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 24 × 60 × 60, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 × 60 सेकेंड। तो जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आएगा आपका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए फॉर अलाहाबाद। बाकी सारे देखोगे बच्चे तो ये कम कम ही है, देखो यहाँ भी कम है यहाँ भी कम है, यही आपका 3600 हो जाएगा। 3600 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए ना ये सब नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ डाइवर इन स्विमिंग पूल बेंड्स हिज हेड बिफोर डाइविंग बिकॉज इट, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाता है और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो बच्चों इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, ये ऑप्शन सही है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है, इंक्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी गलत है। यानी आपका आंसर कौन सा होगा, ए फॉर अलाहाबाद। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर W है, अर्थ पे कितना है W है, सतह से नीचे पृथ्वी के केंद्र से आधी दूरी पर इसका मान कितना होगा। तो बच्चों अगर हम W apparent की बात करें तो कितना होता है W अर्थ इंटू 1 - D/R, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ से देखो W1 - D की वैल्यू कितनी है R/2/R, तो R से R कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 2 - 1/ में, तो W × 2 - 1 यानी 1/2 यानी W/2 यानी C4 चेन्नई इसका आंसर होगा। बताओ बच्चों क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्रतिशत त्रुटि की इकाई होती है, बच्चों प्रतिशत में जब रिलेटिव आएगा तो कोई भी उसका इकाई नहीं होगा यानी वो यूनिट लेस होगा। फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी परसेंटेज एरर इज यूनिट लेस, तो इसका कौन सा होगा C4 चेन्नई, कि उसका कोई यूनिट नहीं होगा। मेजर कैल्सियम में बच्चों सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कंटेंट आपके लिए है, इसलिए फटाफट आकर के ज्वाइन करें क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए आप लोगों के लिए ऑफर है। परमाणु नाभिक का आकार किस कोटि का होता है, तो बच्चों ये तो आपको पता ही है फर्मी यानी 10⁻¹⁵ मीटर का होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि A×B C तो निम्न में से कौन सा खत्म, A×B तो C क्या होगा, A के भी प्रिपेंडिकुलर होगा और B के भी प्रिपेंडिकुलर होगा,
यानी इसका क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा गलत है। तो अगर गलत की बात करें तो ये तो सही है और ये भी सही है, यानी ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा, और ये भी सही है यानी ये भी आंसर नहीं होगा, यानी ये वाला आंसर गलत है, यानी डी फोर डेली होगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में होता है क्या है, जब दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो तीसरी चीज़ आती है वो उसके दोनों के परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट, एक बंदूक में एन गोली प्रति सेकंड से फायर हो रही है, प्रत्येक का द्रव्यमान एम है तथा वेग वी है। अ गन फायर एन बुलेट पर सेकंड, ईच ऑफ मासेस एम विद वेलोसिटी वी, द फोर्स एग्जर्टेड। तो बच्चों इस पे फोर्स कितना लगेगा, देखो नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड आ गया, मास का देखो केजी आ गया, वेलोसिटी का क्या आ गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से देखो केजी मास का, इसका मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड यहाँ से आया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, तो इसमें आपका एन एम वी इसका आंसर होगा। अगर इसमें देखेंगे तो आपका यूनिट ही डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी डायमेंशनली करेक्ट और ये भी डायमेंशन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए फोर अलाहाबाद। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, इफ़ अ लाइटर बॉडी मास एम वन एंड वेलोसिटी वी वन, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लाइटर बॉडी है उसका मास एम वन है और वेलोसिटी क्या है वी वन है, एंड अ हैवियर बॉडी मास एम टू है और उसका वेलोसिटी कितना है वी टू है, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या है, सेम है दोनों के लिए। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी सेम होता है तो पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू पी प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रूट एम के होता है, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम होता है ना, तो पी रूट एम के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, यानी एम टू ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, नेपट्यून एंड सैटर्न, यानी सनी के सूर्य से दूरी क्रम से कितना है, 10^13 एंड 10^12। माना कि ये वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं तब उनके परिमाण कालों का अनुपात क्या होगा, यानी टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों ये आपको पता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यूब होता है, तो टी वन अपॉन में टी टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10^13 / 10^2 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टी वन अपॉन में टी टू इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का क्यूब है यानी 1000, यानी ये कितना आ जाएगा, 10√10, यानी कौन सा होगा, C4 छः इसका आंसर होगा। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, किसी साबुन के बुलबुले के अंदर अधिकतम दाब दूसरे बुलबुले के अंदर की अपेक्षा 3 गुना है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज 3 टाइम्स। एक्सेस प्रेशर क्या है, डबल है। अगर मान लो P2 इज इक्वल टू 3P1 है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज 3 टाइम्स द इनसाइड द अनदर बबल, दूसरे का क्या है 3 टाइम्स है। तो यहाँ से देखो बच्चों टी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, 40/r2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3×40/r1। ये उल्टा कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे आएगा बच्चों P1, यहाँ पे आएगा P2, तो P1 के लिए ये आ जाएगा, और यहाँ पे P2 जो है P1 का, और यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1/R2 1/3 आएगा।
आएगा बच्चों, और वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता है, वी वन अपॉन वी टू की वैल्यू, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर वन का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई आर टू का क्यूब। तो देखो ये और ये कैंसिल, आर वन की वैल्यू कितनी है और आर टू की वैल्यू, दोनों का रेशियो क्या है 1/3, यानी 1/3 का क्यूब यानी 1/27, यानी C4 चेन्नई इसका आंसर होगा। बताओ बच्चों क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर आइडियल गैस क्या होता है बच्चों? अंडर रूट 3RT/mW, यही होता है। तो ये तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सारे बच्चों को। अब यहाँ पे देखो दोनों क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल में इफेक्टिव के की वैल्यू कितनी होती है? के इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 + K2 कह रहा है। अब पूछा क्या हमसे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टी इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2π√m/k। के की जगह क्या आ जाएगा? K+1, यानी 2π√m/k+k2। D4 डेली इसका आंसर होगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी ऑफिसर, ये है हमारा यानी MKC का लक्ष्य। तो बच्चों फटाफट आकर के ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को और बेहतर बनाएं। क्या कह रहा है इसमें कि एक तार अ वायर हैज़ नॉन यूनिफॉर्म करंट सेक्शन एज शोन इन द फिगर, स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू इट, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट P एंड Q इज VP एंड VQ। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? VD जो है वो एरिया के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि I इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? AN E VD। तो अगर इन दोनों में हम रिलेशन देखें तो एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो एरिया कम है तो यहाँ पे P पॉइंट पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा, यानी C4 इसका चिन्ह आंसर होगा। बताओ क्लियर है? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैज चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल वी बिटवीन द प्लेट, वर्क रिक्वायर्ड टू डबल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अगर इसके प्लेट का डिस्टेंस डबल करेंगे बच्चों तो सी जो नया वाला होगा वो कितना आ जाएगा? जो नया सी होगा वो C/2 होगा, क्योंकि आपको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है? A εo/d। अगर D डबल करेंगे तो C क्या होगा? C/2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्क डन जो है वो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, वही तो पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा। तो U final - U initial, तो U final के लिए कितना आ जाएगा हमारा बच्चों? Q²/2C। C की वैल्यू कितनी है? C/2 माइनस Q²/2C। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2C LCM आ गया हमारा, 2Q²-Q², यानी यहाँ से आ जाएगा Q²/2C। Q की वैल्यू C भी रख देंगे तो कितना आ जाएगा? Q की वैल्यू C भी रखेंगे तो C²V²/2C, C से C कैंसिल, यानी हाफ C V स्क्वायर, यानी A4 इलाहाबाद इसका आंसर होगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है फॉर ए गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो बच्चों इस वाले में अगर हम देखें तो इसमें हमें बाहर की तरफ, और इस वाले में देखो तो ये ऐसे जाएगा,
तो अंदर की तरफ इस वाले के लिए, अंदर की तरफ इस वाले के लिए, बाहर की तरफ, तो देखो बाहर की तरफ कितना है और अंदर की तरफ कितना है, तो B इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। तो देखो यहाँ पे करंट ज़्यादा है तो ज़्यादा होना चाहिए, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या है ज़्यादा है माइनस, तो यहाँ पे हम फार्मूला डायरेक्ट, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ ये यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बी हमारा फाइनल आ जाएगा म्यू नॉट आई की वैल्यू हमने लिया 5 अपॉन में 2πr और आर की वैल्यू इसके लिए कितना है पी से 2.5, तो ये आ गया 2.5 माइनस म्यू नॉट आई की वैल्यू इसके लिए कितना है 2.5 अपॉन 2πr, आर की वैल्यू इस वाले के लिए भी कितना है टोटल 5 है तो इस साइड का भी कितना होगा 2.5 ही होगा, तो ये आ जाएगा 2.5। तो देखो बच्चों यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया हमने, तो देखो ये 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से 25 से 50 टू टाइम्स में कैंसिल, तो यहाँ से देखो क्या आ गया 2 म्यू नॉट अपॉन में 2πr माइनस म्यू नॉट अपॉन में 2πr, तो 2 म्यू नॉट में से म्यू नॉट जाएगा तो यानी म्यू नॉट अपॉन में 2πr, और ये वाला ज़्यादा है तो ये वाला कैसे जा रहा है अंदर की तरफ, तो अंदर वाला कौन सा है सी, यानी C4 चेन्नई इसका आंसर होगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कंटेन, तो इसमें बच्चों क्या होता है एम्प्टी सेल ऐसा नहीं कह सकते, फुलफिल सेल ऐसा भी नहीं, बल्कि इसमें क्या होता है पार्शली एम्प्टी सेल होता है, क्या होता है ये पार्शली एम्प्टी सेल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी4 बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है करंट टाइम कर्व इज शोन द फिगर, करंट का और टाइम का फिगर गिवन है, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बच्चों आपको ये पता है कि ई इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी होता है, और डी बी बाई डी टी जो है बच्चों ये डी आई बाई डी टी के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ई जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है डी आई बाई डी टी के, तो यहाँ देखो ये डिवाइड यानी स्लोप ई क्या देगा इसका स्लोप देगा, यहाँ से देखो स्लोप कांस्टेंट है यानी प्लस के लिए तो आपका ये वाला आ जाएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा यानी ये वाला ग्राफ आएगा, फिर जब माइनस होगा फिर से स्लोप कांस्टेंट है तो फिर से इसकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी, और फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर से कांस्टेंट होगा, तो ये सारे ग्राफ तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसमें वो क्या होगा कांस्टेंट आएगा अगर ग्राफ को देखे तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी4 बॉम्बे इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट फॉर द एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आई आर एम एस वी आर एम एस, यानी ये तो सही है लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट, तो यहाँ देखो यहाँ आई आर एम एस क्या होता है वी बाई रूट टू, तो ये भी सही है ये भी सही है, और अगर हम यहाँ पे वी की वैल्यू आई आर एम एस इंटू आर रख दें तो आई इंटू आई आई स्क्वायर आर एम एस नहीं बन जाएगा, तो ये भी सही है यानी ये वाला आंसर गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। अभी बहुत डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, मैंने आप ये देखें आप 25% का डिस्काउंट चल रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी होगा, ऑर्डर भी ट्रैक कर सकते हैं, पेमेंट भी सिक्योर होगा, तो बच्चों फटाफट आप जो इस बुक को ज्वाइन करें, इससे आपकी स्टडी और अच्छे ढंग से आपकी प्रिपरेशन हो पाए और आप अच्छा रैंक अचीव कर पाए। नेक्स्ट है यानी एन आई स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब स्पेक्टिकल्स, यानी एक नेत्र विशेषज्ञ 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, तो इसका पावर कितना आ जाएगा, देखो पावर की ही बात कर रहा है तो पावर कितना आ जाएगा उत्तल लेंस के लिए 1/40, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5 डायोप्टर। इसी तरह से दूसरा क्या है
25 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का क्या होता है, माइनस में होता है, तो 1/25 100 कर देंगे तो 25 × 100 यानी 4 आ जाएगा माइनस का, तो दोनों का कम्बिनेशन कह रहा है, तो P1 + P2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4 + 2.5 तो कितना आ जाएगा बच्चों, -1.5 यानी B4 बॉम्बे इसका आंसर होगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, चार कांच के लेंसों में से कौन एक अपसारी है, इसमें से बच्चों कौन सा डाइवर्जिंग है। तो बच्चों डाइवर्जिंग किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स को, जिसका बीच का पार्ट क्या होता है, मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग। तो देखो बच्चों यहाँ पे मोटा है यानी ये वाला तो नहीं हो सकता, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग बोल रहा है ना बच्चों, तो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग होता है और कॉन्केव डाइवर्जिंग होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉन्वेक्स है, तो ये कौन सा होगा, कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग नहीं होगा, तो ये आंसर। अब इसमें भी देखो बीच का पार्ट क्या है बच्चों, मोटा है, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा यानी ये भी नहीं हो सकता, इसका भी बीच का पार्ट मोटा है ये भी नहीं हो सकता, इसका देखो बीच का पार्ट क्या है, पतला है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये कौन सा होगा, डाइवर्जिंग होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा A4 अलाहाबाद। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय विकिरणों के बारे में सही कथन कौन सा है, अल्फा कणों की चाल एक अभिलक्षणिक गुण है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि अल्फा पार्टिकल के जो है वो करैक्टरिस्टिक्स स्पीड का जो है वो क्या है, उसका करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कणों की चाल एक बीटा में तो नहीं होता, गामा भी नहीं होता, यानी इसका आंसर हो जाएगा A4 अलाहाबाद। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल यही है, इसका आंसर क्या होगा, A4 अलाहाबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट के विभवांतर से, क्या इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग, तो बच्चों इस वोल्टेज से क्या किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, तो बच्चों आपको पता है E into V यानी Q into V इज इक्वल टू क्या होता है, ½mv² होगा क्योंकि इसी से एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ से देखो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 × 10⁻¹⁹, V की वैल्यू कितनी होगी, 1000, 1/2, M की वैल्यू 9.1 × 10⁻³¹, तो यहाँ से अगर देखेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 1.6 को अगर हम ये भी 10 ले लें तो 10 से ये 10 कैंसिल, और यहाँ पे साथ में क्या आएगा, V का स्क्वायर, तो V² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो 16 × 2 × 9.1, और ये इस तरफ में अपॉन में आएगा तो ऊपर में ले जाएंगे तो 31, और प्लस में माइनस 31 है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 19 और प्लस का ये वाला 20 और आ जाएगा, प्लस का 2, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से V² इज इक्वल टू 31 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, या 31 + 2 = 33 में से 9 जाएगा तो 14, यानी 16/9 × 2 × 10⁻¹⁴। अच्छा यहाँ से देखो, अच्छा ये 2 भी तो है साथ में, अब हम अगर V की वैल्यू निकाले बच्चों तो देखो V इज इक्वल टू क्या आएगा, √9/16 × 2 × 10⁻¹⁴। बाहर निकलने के बाद देखो 3/4, √2 की वैल्यू 1.41 × 10⁻¹⁷,
तो 14 थ्री जा कितना होगा, 14 थ्री जा कितना होगा बच्चों, 16 बाई 9 था ना, तो यहाँ पे तो बच्चों उल्टा मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे उल्टा आ गया, ये आ जाएगा 16 बाई 9 होगा, यहाँ 16 बाई 9 यानी 4 बाई 3, तो 14 फोर जै 56, और ये पावर 10 टू द पावर 7 किस किस में है, यानी ये वाला होगा या ये वाला होगा, और इसको 3 से करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 1.36 3 8 जा 24, तो इसका 1.88 आएगा, कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बॉम्बे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.88। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर आ गया 1.88 10 to the power 7, यानी बी फॉर बॉम्बे। तो ये था बच्चों मॉडल पेपर आप लोगों का, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज की क्लास में ICG GD के लिए एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, ICG के लिए, GD के लिए, ठीक है, ICG GD के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, पहले अपने आप करना है, देन वीडियो को कम्प्लीट देखना है, कहीं जाना नहीं है, मन से लगा कर पढ़ो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लॉजिक सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन तो करोगे करोगे, साथ में आपको बहुत सारा आपको लॉजिक बताऊंगा इस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम लॉस ना करो, स्टार्ट करते हैं। ये दिया है लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको लगाना क्या है, यहाँ पर k की वैल्यू फाइन करनी है ना, तो देखो कैसे करते कैसे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, देखो लॉग 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 दिया है, हमें पता है बच्चा लॉग m प्लस n जो है लॉग m प्लस लॉग n इंटू m बन जाता है, या m इंटू n बन जाता है, तो सेम ऐसे ही देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना आपको फास्ट कैलकुलेशन आपको भी आना चाहिए जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पहले क्या होगा, ये इसके पावर में जाएगा, ये इसके पावर में जाएगा, इसके बाद में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग, टाइम बचाने के लिए बेटा ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ये 3 के पावर 2 हो जाएगा और 5 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, लॉग लॉग कटेगा, के का मान कितना हो जाएगा, 4 × 8 × 9 × 5 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 9 × 4 = 36, 360 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, यस, ये दिया हुआ है कि एक सेट दिया है 0 1 2, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा, ये आपको पता करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आंसर में देखो क्या दिया है, PA दिया है, PA जानते क्या होता है, पावर सेट होता है, अब पावर सेट तो बनाना पड़ेगा, तो पावर सेट बनाओ आप, PA निकालो, देखो क्या आएगा, एक तो आपका 5 आता है, देन आपका 0 आएगा, देन आपका 1 आएगा, देन 2 आएगा, अच्छा फिर आपका क्या आएगा, 0 1 आएगा, फिर 0 2 आएगा, फिर आपका 1 2 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 0 1 2 आएगा, ये चीज आएगा, ये टोटल इसका पावर सेट हुआ, ठीक है, अब देखो 0 क्या कह रहा है कि इसके अंदर है, अरे 0 कहाँ है, ये तो इसके साथ 0 है, कर्ली ब्रैकेट के साथ 0 थी, ये तो गलत हो गया, सबसेट दिया तो ये 0 इसके अंदर होना चाहिए, तो 0 इसके अंदर है नहीं, ये तो कर्ली ब्रेर के साथ 0 है, इसका मतलब ये भी गलत हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो है ये चीज आ गया, पावर सेट हमने तो निकाल लिया, अब देखना पड़ेगा क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्या 0, अच्छा 0 देखो 0 बिलोंग करेगा PA के अंदर, PA के अंदर 0 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये तो कर्ली ब्रेकेट के अंदर है, कर्ली ब्रेकेट के अंदर है, ये देखो इस तरह दिया है, 0 नहीं दिया है, अगर केवल ऐसे 0 होता तब हम मानते, तो ये आपका आंसर गलत है, ठीक है, यहाँ पर मानो ऐसे ही, तो ये 0 इसके अंदर होना चाहिए क्योंकि सबसेट दिया है, तो PA के अंदर 0 नहीं है, आगे देखो यहाँ 0, 1 PA के अंदर है, 0, है ना PA के अंदर, इसका मतलब सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है
तो 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का संयुग्मी बताना है बेटा, कंजुगेट बताना है। कंजुगेट जानते हो क्या होता है? कंजुगेट, कंजुगेट के लिए क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर का जो कंजुगेट होता है वो ओमेगा होता है, एंड ओमेगा का जो कंजुगेट होता है ओमेगा का स्क्वायर होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पता है तो विद इन सेकेंड में आंसर, नहीं पता है तो फिर आप जो है घूमते रह जाओगे। तो इसका हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा और माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। कहीं दिख रहा है 2 ओमेगा माइनस का 3 आयोटा, आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें पता है तो विद इन सेकेंड में आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो आपको इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल कर देखो क्या आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा आपका 2 आएगा एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। सबको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। यहाँ से हमने निकाल कर दिखा दिया आपको कि अल्फा प्लस बीटा आपका 2 होगा एंड अल्फा इंटू बीटा आपका माइनस का 1 होगा। क्लियर। अच्छा, अब ये देखो क्या दिया है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो आगे एलसीएम ले लो। एलसीएम होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4, इतना होगा ना। यस, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर, फार्मूला याद होगा, और माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये हमने फार्मूला किसका लिखा है, ऊपर अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 का लिखा है। ठीक है, वैल्यू रखो, यहाँ 2 रखोगे 2 दूना 4, यहाँ माइनस 1 रखो 4 दो 6 36 हो गया, 36 माइनस 2 34 अपॉन में 1 यानी 34। डी आंसर करेक्ट है, डी आंसर आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। एक रेलवे मार्ग पर 20 स्टेशन है। बच्चा, अगर 20 स्टेशन है तो एक स्टेशन से जाने के लिए दूसरे स्टेशन जाने के लिए आपको टिकट तो लेना पड़ेगा। ऐसे टिकट विदाउट टिकट तो जाओगे नहीं, नहीं तो टीटी पकड़ बहुत मारेगा, है ना, मारेगा नहीं पेनाल्टी कर देगा। तो यहाँ 20 स्टेशन है, इनमें कितने टिकट चाहिए यदि प्रत्येक स्टेशन से अगले प्रत्येक स्टेशन तक सफ़र करना संभव है। इसके लिए जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। तो अरेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, पी लगाते हैं, या उन ये आपका 20 होगा 19 होगा, इसको मल्टीप्लाई 19 दुना 38 360 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दिया इसका गुणांक बताना है। बच्चा, इस तरह से क्वेश्चन जब आए तो क्या करना है, 18 दिया है 18 लिख लो, सी लिख लेना, ए क्या है और बी लिख लो। देखो मैं बता रहा हूँ जो तरीका, उसको फॉलो करोगे आपका टाइम बचेगा। ये लिख लिए, ए की पावर को कितना लेना, 8 लेना है, बी के पावर को कितना लेना है, 10 लेना है, और ये 10 यहाँ घूम कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो गुणांक होगा 18 सी यानी 18 सी 10 होगा, और 18 सी 10 हमें पता है 18 सी 8 के बराबर होता है, होता है ना, तो 18 सी 8 कहीं दिख रहा है। यस, ये आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एयरफोर्स का जो बैच है इस नंबर पे 9696330933 पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं इसकी फ़ीस कितनी है, इसका प्रोसेस क्या है, कितनी जो है आपके क्लासेस चलती हैं, टाइमिंग क्या है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इसके लिए ये भूलना नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, एपी का क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में जिसका प्रथम पद यू है और सार्वांतर वी है और कह रहा पीवां पद क्यूवें पद से 15 UV ज़्यादा है। भाई जैसा दिया है वैसा करो। ये देखो क्या दिया है, इसका क्वेश्चन दिया है ये चीज़, इसका पीवां पद कह रहा है इसके क्यूवें पद से 15 UV ज़्यादा है। ठीक है भाई, जब ये पता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इनका फार्मूला यू प्लस पी माइनस 1 इंटू वी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, वी दिया है, पहला पद यू है, तो जो दिया होगा वही तो लिखोगे। यहाँ पर यू प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वी प्लस का 15 UV होगा। अब इसको ध्यान से देखो करना क्या, आपको
करना क्या है यहाँ पर, यू से यू गया गया, वी से वी जा रहा है, सब कट गया, यहाँ आ गया पी माइनस वन, यहाँ आ गया क्यू माइनस वन प्लस 15u, ठीक है, वन से वन जा रहा है तो p का मान बच्चा सीधे सीधे दिख रहा है इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि p इक्वल टू क्यू प्लस 15v, यस है, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स के इसकी मीनिंग समझो, है ना। पहला कह रहा है कि ये मैट्रिक स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, भाई स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, तो ये तो गया, ये तो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल कुछ भी हो ये दोनों सेम सेम होने चाहिए, तो ये भी गया, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या है, इसका डिटर्मिनेंट का मान प्लस माइनस वन आना चाहिए, तो देख लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा है, ठीक है, ये है, तो यहाँ लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भाई आ गया यहाँ पर क्या आ गया, वन आए चाहे माइनस वन आए तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। चलिए आगे हम सोचेंगे नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो वन आ रहा है जीरो होता है, डिटर्मिनेंट का मान यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट का मान वन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बैग में 20 बल्ब हैं जिसमें से 4 खराब हैं, इस बैग में से 2 बल्ब चुना जाता है, इनमें से कम एक बल्ब के खराब होने की प्रायिकता बताना, बच्चा चाहे एक बल्ब खराब हो, कम से कम दिया है, एक बल्ब भी खराब हो सकता है और 2 बल्ब भी खराब हो सकता है, तो लेते हैं चलते हैं देखते हैं क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो सबसे पहले एक बल्ब खराब करना है, तो 4 खराब में से एक लेना है और 16 अच्छे में से एक अच्छा लेना है, और टोटल आपका हो जाएगा 20, टोटल हो जाएगा कितना, 20 है ना, तो 20 में से आपको क्या लेना है, 2 बल्ब लेना है प्लस, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि दोनों खराब हो, तो 4C2 में से लेना है 2 और यहाँ से लेना है 2, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है, ये 4 होगा इंटू 16 होगा और ये होगा 20 इंटू 19 होगा, और अपॉन में 2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, PNC तो पढ़े होगे ना, यही करना 4 इंटू 3 अपॉन में 20 इंटू 19, यस। कुछ सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या है, LCM ले लिया हमने, 20 इंटू 19 ले लिया, अच्छा ये हो जाएगा, दोनों का LCM सेम है, ऊपर हो गया कितना आएगा 8, यानी 8 16, तो मल्टीप्लाई कर लो कितना, 128, 8 6 48 हो जाएगा, 8 1 8 4 12 हो गया, यस, और ये हो गया 12 हो गया, तो ओवरऑल कितना आया, ओवरऑल पर जोड़ दो 140 अपॉन में 20 इंटू 19, तो 0 0 कट रहा है 7, यानी 7/19 हो गया, तो यस 7/19 कहीं दिख रहा है, 7/19, यस 7/19 आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 10 कर रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो आप, यदि एक आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 12 ज़्यादा है तब बहुलक माध्यिका से कितना ज़्यादा, तो कह रहा कि बहुलक जो है मॉड जो है मीडियन से कितना ज़्यादा, ये आपको पता करना है, तो जैसा क्वेश्चन है उसके आधार पर देखते हैं। पहला मॉड को हम कहते हैं स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें पता है कि जो मॉड का रिलेशन होता है, मॉड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये होता है, ये रिलेशन होता है, तो मॉड की वैल्यू तो ये पता है एक्स बार प्लस का 12, ठीक है, अच्छा 3 इंटू मीडियन के बारे में नहीं पता तो ये हो जाएगा मीन, और माइनस 2 इंटू मीन के बारे में पता ये है, ठीक है, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स बार प्लस 12 बराबर हो जाएगा 3 इंटू मीडियन, क्लियर,
तो यहाँ से मीडियन का आ जाएगा आपका एक्स बार प्लस का चार, ये तो मीडियन हुआ। क्या हुआ? मीडियन हुआ। हमें मॉड की बात करनी है ना, मॉड मीडियन से कितना ज़्यादा है, तो ये मॉड की बात हो रही है कि मॉड कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये मॉड एक्स बार प्लस का 12 है, आप इसको लिख सकते हो एक्स बार प्लस चार प्लस आठ लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। अब ये बेटा क्या हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा, यानी मीडियन प्लस आठ हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो मॉड होगा मीडियन से आठ बड़ा होगा, कितना होगा, एट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यस, एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है और वाई बराबर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है, बताना क्या है। स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायर के जोड़ दो भाई, क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर आएगा और इसका स्क्वायर भी आएगा, आएगा ना, तो ए बन जाएगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भी आएगा, तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, तो बी स्क्वायर हो गया, और साथ में ये आएगा टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से आएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या कर हो जाएगा, ये गए दोनों, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, स्क्वायर करके ऐड करना था, देख लेना फटाफट, सीधे सीधे आंसर आपको बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स इक्वल टू पाई बाई टू के हलों की संख्या, एक्स का मान नहीं बताना है, हलों की संख्या बताना, थोड़ा सा कठिन है लेकिन बट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया था, यह दिया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स इक्वल टू जो दिया है पाई बाई थ्री, है ना, ये दिया है। चलिए तो यहां से क्या करो, साइन इनवर्स 2x है और इसको लिख लो साइन इनवर्स में कुछ वैल्यू ले लो रूट थ्री बाई टू, अरे उल्टा भी ले सकते हो आप साइन इनवर्स x, फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं होगा तब तक साइन कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2x आ जाएगा और ये होगा साइन इनवर्स क्या आएगा, a मतलब रूट थ्री बाई टू इंटू रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स होगा इंटू रूट के अंदर वन माइनस तीन अपन में चार, ये हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, काट दिया हमने, दो एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये होगा रूट थ्री बाई टू हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का यहाँ हो जाएगा एक्स बाई टू, यस एक्स बाई टू हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो दो दूना चार पाँच एक्स बाई टू हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू होगा अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही, इसे ये कटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो पच्चीस हो जाएगा, पच्चीस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तीन आ जाएगा और यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए क्या आएगा, थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो अट्ठाईस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर को हो जाएगा तीन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का मान आएगा, एक्स आ जाएगा रूट के अंदर तीन अपॉन में अट्ठाईस, प्लस माइनस नहीं लोगे क्योंकि माइनस तो वहाँ पर वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक मान आ रहा है बच्चा, एक मान, तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर एक्स का मान एक ही पॉसिबल होगा, एक मान पॉसिबल होगा। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि प्लस माइनस आएगा और यहाँ पर इसका एक्स का जो डोमेन होता है ना, माइनस वन और प्लस वन के बीच में होता है, तो उसके अंदर माइनस वाला साइन नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो हम एक मान हम करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये डोमेन बताना है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। डोमेन के लिए क्या करते हो, ये क्या करते हो, ग्रेटर देन जीरो, बस ग्रेटर देन जीरो कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः का मान ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, होगा ना, यस। इसका फैक्टर बनाओ, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री सबको पता होगा, फटाफट कर लो, इसका मतलब है जब बेबी कर बनाओगे तो यहाँ मान दो लगाओगे, यहाँ पर तीन लगाओगे, इसका मान ऐसे करोगे, बेबी कर बना लिया, प्लस माइनस प्लस लगाओगे। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन कहाँ से है, यहाँ पर है और यहाँ पर, पॉजिटिव साइन दिखाना है, तो माइनस इनफाइनाइट से टू और थ्री से लेकर इनफाइनाइट, बी आंसर आपका
करेक्ट होगा, वो इक्वल टू साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा। क्लियर? यस। आगे चलते हैं क्वेश्चन। एयरफोर्स नेवी के लिए है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में आप जो है तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का फायदा उठाओ इस नंबर पे कॉल करके। ओके, कहाँ गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस यस, लिमिट का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहाँ वैल्यू रख दो, डायरेक्ट वैल्यू रखो, तो ये होगा 2 माइनस 1, है ना, और ऊपर लॉग 10π 1, ये 0, 1 की पावर 0, 1। अरे यार सोचना नहीं, 1 आंसर है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तब आगे हम प्रोसेस करते हैं, हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और अदर कोई अदर फार्मूला कंसेप्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जैसे वैल्यू रखेंगे, ये 10π/4 1 होगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ऊपर 10π/4 1 होता है, 1 लॉग 1 का मान 0, 1 के पावर 0 है, 1 के पावर 0 का मान होता है 1 होता है, तो 1 हम टिक करके आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। 1 के पावर इनफाइनाइट होता तो उसके बारे में सोचते, यहाँ 1 के पावर इनफाइनाइट नहीं है तो हम आगे बढ़ लेंगे, है ना। आगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया, एक्स के पावर 2 की पावर x + 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर x + y है, आपको dy/dx बताना जब x का मान 1 और y का मान 1 है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर एक साथ आप डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, तो 2 की पावर x का 2 की पावर x होगा, log 2 होगा, होगा ना, और 2 की पावर y का 2 की पावर y होगा, log 2 होगा, और साथ में आपका dy/dx भी आएगा, आएगा ना, यस। आगे आएगा 2 की पावर x + y का 2 की पावर x + y आएगा, साथ में आपका log 2 होगा, और ब्रैकेट में करोगे 1 + dy/dx, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, log 2 से log 2 कॉमन के साथ कटेगा, और x का मान y और y का मान x का मान 1 और y का मान भी 1 रखना है, क्योंकि ये दोनों क्या दिया है, यहीं पर वैल्यू रख कर चेक कर लो, देखो क्या आ रहा। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 आ गया प्लस 2 की पावर 1 आएगा, साथ में आएगा dy/dx आएगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 1 + dy/dx आ जाएगा, ये चीज क्लियर। अब क्या है, dy/dx वाले टर्म को लेफ्ट में लाओ, क्योंकि निकालना क्या है, dy/dx हमें निकालना है, डेरिवेटिव निकालना, अवकलन निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 को ऐसे लिखोगे, और प्लस 2 की पावर 2, और साथ में आएगा dy/dx, इसको लेफ्ट में लाओगे, dy/dx कॉमन करो, 2 की पावर 1 - 2 की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा ये क्या आएगा, 2 की पावर 2 - 2, अब ये देखो ये कटेगा कि माइनस 1 के साथ कटेगा, इसका मतलब dy/dx का मान क्या आ गया, dy/dx का मान -1 आएगा, -1 टिक करके आगे बढ़ लो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, अगला क्वेश्चन क्या है, कर्व y एक वक्र दिया है, द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2e to the power 2x दिया है, एट द पॉइंट मीट इतने द x एक्सिस एट द पॉइंट, कह रहा इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, 0, 1 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो x एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, उसके लिए हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाली जाती है। इसके बाद x एक्सिस की बात आएगी तो y का मान 0 कर दोगे, तो वहाँ से x का मान निकल के आएगा, देखते हैं कैसा आ रहा। तो सबसे पहले dy/dx बच्चा करोगे, तो dy/dx क्या आएगा, y डैश 2e to the power 2x आएगा, आएगा ना, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, स्लोप m निकालोगे तो क्या आएगा, वैल्यू रखोगे 2e के पावर 0, यानी आपका 2 आ जाएगा, स्लोप 2 आ गया, तो आ गया y - y1 का मान 1 है, स्लोप 2 आएगा, x - x1 आएगा, आएगा ना, x - 0, क्योंकि x1 ये y1 है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में ये करना कि x एक्सिस पॉइंट बताना है, तो y का मान 0 करेंगे, 0 - 1 = 2x आ जाएगा बच्चा, यहाँ से x का मान आ रहा है -1/2, x का मान -1/2 और y का मान 0, इसका मतलब सी आंसर करेक्ट है। ओके चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस 1/1 + log x का होल स्क्वायर के पावर 2 दिया है, इसका देखो कैसे करोगे आप,
सबसे पहली बात यह कि स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर का आप जो है फार्मूला देख लो, स्क्वायर का क्या होता है, ठीक है? यस, तो यहां पर हो जाएगा, ऊपर करोगे तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस का वन और माइनस का टू लॉग एक्स हो जाएगा, टू लॉग एक्स अपॉन में क्या आएगा, वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ओके? इसका होल स्क्वायर है, यस, होल स्क्वायर। अब क्या करना बच्चा, ये अपॉन में ये कर लेना और ये अपॉन में ये कर लेना, इससे फायदा क्या होगा, देखो ये एक पावर कट जाएगा, वन अपॉन में वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर आएगा और यहाँ डी एक्स हो जाएगा, ठीक है? और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ टू लॉग एक्स अपॉन में आपका वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है? अच्छा अब देखो करना क्या, यहाँ लॉजिक क्या, कंसेप्ट क्या है बच्चा, यहाँ पर वन डी एक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बट वन डी एक्स करोगे तो क्या आएगा, इसको आप पहला फंक्शन मानोगे, इसको आप वन को दूसरा फंक्शन मानोगे और बाई प्रोडक्ट फार्मूला आई लेट वाला कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। तो आई लेट का कंसेप्ट करोगे तो पहला फंक्शन वन अपॉन वन प्लस आएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर आएगा इनटू और एक्स का वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा माइनस इसका डी बाई डी एक्स करोगे बच्चा तो ये पहले इस टर्म को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस का टू हो जाएगा, ओके? एंड अंदर करोगे तो टू लॉग एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का वन बाई एक्स होगा और वन का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है? इतना तो समझना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से एक्स एक्स कट रहा है, देखो ये जो टर्म दिया है बच्चा ना, ये जो राइट में लिखा गया है प्लस के साथ लिखा, माइनस के साथ लिखा गया है, तो बस आपको क्या करना है, ये जो टर्म आएगा और ये टर्म जो है कट जाएगा, बस ये जो आएगा वही आंसर होगा, यानी आपका एक्स अपॉन में वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है बट आपका सोल्यूशन इसी तरह होगा, ठीक है? तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स अपॉन यस ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी था, यस बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी दिया, आपको एफ एक्स पता करना कि एफ एक्स क्या होगा, है ना? तो ये एफ एक्स हमें पता करना है, तो इसको करने का तरीका क्या, पूर्ण वर्ग बनाकर करो, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का वन लिख लेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस का वन का स्क्वायर, होगा ना? बस आसान हो गया आपका काम, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस का वन का स्क्वायर, क्लियर? बस ये क्या टैन इनवर्स होता है, सबको पता है टैन इनवर्स और एक्स एक्स मतलब एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो हमें केवल एफ एक्स पता करना है, तो आपका ए आंसर करेक्ट हो जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, करा लॉग एक्स डी एक्स। बच्चा हमें जब भी कभी लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है भाई पार्ट से करते हैं, तो वही कंसेप्ट लगा लेते हैं, बाकी लिमिट तो है, लिमिट रखना है, तो यहाँ पर होगा वन डी एक्स बना लेंगे, यहाँ वन डी एक्स कर लेंगे, ठीक है? तो पहला फंक्शन लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई पार्ट का कंसेप्ट लगा रहा हूँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन, डी बाई डी एक्स पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक है? तो क्या आएगा और लिमिट रखना बाकी अभी, तो एक्स हो जाएगा एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स होगा और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी, कॉन्स्टेंट सी नहीं लगेंगे क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट तो हमें लिमिट लगानी बाकी है,
ये लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, वन टू टू, ठीक है। ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा एंड माइनस का वन होगा, वन का एक्स हो जाएगा और ये लिमिट आपकी वन टू टू। वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू में। टू लॉग टू होगा, माइनस का टू हो जाएगा, फिर वन रखेंगे तो लॉग वन जीरो हो जाएगा और प्लस का वन हो जाएगा। तो ये हो गया टू लॉग टू, टू लॉग टू माइनस का वन, ये हुआ। अब देखते हैं आंसर क्या है। आंसर तो फोर के टर्म में दिया है तो क्या होगा, ये क्या होगा, इस चार बन जाएगा और इसको वन को लिख लेंगे लॉग ई बेस ई और ये डिवाइड आएगा यानी लॉग फोर अपॉन में ई आ रहा है। यस, सी आंसर करेक्ट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये बुक हमारी है, अर्थमेटिक की बुक है, रीजनिंग की बुक है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक है और जनरल नॉलेज की बुक है, ठीक है, और मैथ का तो है ही, ठीक है। इस पर देखो बुक पे क्या है, 25 पर आपका क्या डिस्काउंट है, तो फटाफट क्या करो, इसे मंगवा सकते हो और क्या है, फ्री इन डिलीवरी है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, जितना बुक का कॉस्ट होगा उतने ही आपको पे करना होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, सब टॉपिक में डिवाइड है, ठीक है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम जो है ये सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर ये, कर रेखा वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू दिया और मॉड एक्स इक्वल टू थ्री दिया और एक्स बार जीरो द्वारा घिरी क्षेत्रफल बताना। अच्छा, देखते हैं एक बार बच्चा क्या होगा। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, देखो ये इसका ग्राफ, तो आप अगर इसको इस तरह बनाते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ग्राफ बनाकर ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ अलग कलर लेते हैं तो ये आपका होगा इस तरह से, इस तरह से यहाँ टू आएगा, ये होगा वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ हुआ और एक्स इक्वल टू थ्री कहाँ होगा, अरे भाई एक्स इक्वल टू जब करोगे प्लस माइनस थ्री आएगा, तो प्लस थ्री मतलब ये होगा और माइनस थ्री मतलब ये होगा, ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा। तो अब एरिया हमें बताना है ना, तो ये एरिया आपको बताना है और साथ में ये एरिया बताना है, इन्हीं एरिया को आपको सॉल्व करके बताना कितना होगा, जबकि x बराबर ये क्या है माइनस थ्री है और x बराबर ये प्लस का थ्री है। तो दिख रहा होगा दो ट्रायंगल दिख रहा है, हमने तो ड्रॉ किया ना अभी, अभी दो ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया दोनों को ऐड कर दो, देखो क्या आ रहा, एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, ये टू और ये थ्री, तो इनके बीच का जो गैप है वो वन है और यहाँ पर क्या है, जब एक्स का मान तीन रखोगे तो तीन माइनस टू वन, ये भी वन हो जाएगा, यानी ये जो ट्रायंगल है इसकी लेंथ, इसकी जो बेस है वो टू है और हाइट कितनी है वन है, तो इसका एरिया हो जाएगा वन बाई टू बेस इंटू हाइट, वन इंटू वन हो जाएगा प्लस। अच्छा, अब ये देखो, ये दो तो यहाँ से यहाँ तक दो है, यहाँ से यहाँ तक कितना दो है और ये तीन है, तो तीन दो पाँच हो गया, तो टोटल पाँच हो जाएगी, ये लेंथ आपकी पाँच हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पाँच मिल गया। अच्छा, जब आप माइनस थ्री रखोगे यहाँ पर, यहाँ पर आप माइनस थ्री रखोगे क्योंकि ये क्या है माइनस थ्री, जैसे माइनस थ्री रखोगे माइनस थ्री माइनस टू, माइनस का फाइव मॉड लगा है प्लस का फाइव, यानी ये आपका पाँच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एरिया निकालोगे वन बाई टू होगा, बेस में पाँच है और हाइट में भी पाँच है, कितना आएगा, आई मीन आना चाहिए वन बाई टू प्लस पाँच पच्चीस पच्चीस, पच्चीस अपान में दो, कितना आ गया छब्बीस अपान में दो, आना चाहिए कितना तेरह दूना छब्बीस, ओहो ये तो आंसर हो गया अलग, बट जो है यही आंसर आएगा, देख लिया मैंने यहाँ से एक बार और, ये वन और ये वन, वन 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 बाई टू बेस इंटू हाइट, वन बाई टू ही आएगा
और ये पाँच और ये पाँच है तो आ जाएगा आपका वन बाई टू फाइव इंटू फाइव, पच्चीस अपान में दो, पच्चीस एक छब्बीस अपन तेरह ही तो आ रहा बच्चा, है ना। बाकी आप इसको देखना कमेंट में, अगर कोई दूसरा आंसर हो तो कमेंट करके बताना, बट मेरे में क्या आंसर आ रहा है, थर्टीन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका दिया x बराबर 2 दिया है और दिया x माइनस 3y इक्वल टू 6 दिया है, आपको पता करना है इनके बीच का कोण कितना होगा। तीन को भी ड्रॉ करके देखते हैं क्या आएगा, है ना। देखो x इक्वल टू जो है, x इक्वल टू 2 तो लाइन ये होती है, ये x इक्वल टू 2 की लाइन है, x इक्वल टू 2 की लाइन, और ये लाइन के लिए क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा y अपान में माइनस का 3 इक्वल टू 1 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी x पे आपको 6 लेना है और y पे आपको माइनस 2 लेना है, यानी इसको मिला दो। कर इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पता करना है, कितना पता क्या करना है, बीच के बीच का कोण बताना है, कितना लॉजिकली क्वेश्चन है ये, आपको कोण पता करना है। तो बच्चा अब ये कोण पता करना है तो ये कोण तो आप निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि इस लाइन का स्लोप हमेशा एक्स पॉजिटिव एक्सिस से लेते हैं, ओके। तो ये स्लोप निकालने के लिए हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, आपका स्लोप होता है टैन होता है, या फिर आप ए बाई बी कर लो, है ना, माइनस का ए बाई बी कितना आएगा, 1/3 आ गया। ये स्लोप आया आपका, ये स्लोप मतलब टेन थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/3 हो गया। ये बता रहा है इसका कोण बता रहा, अगर इस थीटा को अगर 1 मानते हो तो ये थीटा हमारा 1 जो है ये आएगा। हमें ये नहीं पता करना, हमें तो ये पता करना है, ठीक है। तो 90 में से ये वाला कोण घटा दोगे तो आपको आ जाएगा ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 90 में से टेन इनवर्स करना है तो इसका मतलब हो जाएगा कोण जो है 90 माइनस टेन इनवर्स होगा, टेन इनवर्स 1/3, ठीक है। ये तो हो गया, ये वाला कोड हो गया, लेकिन आंसर देख रहे हो कहीं मैच नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा सॉल्व करते, ये पाई बाई 90 मतलब तो पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 माइनस टेन ये जगह का ये होता है कॉट इनवर्स बन जाता है, कॉट इनवर्स बन जाता है, कॉट इनवर्स 1/3 आ गया। तो कॉट में भी आंसर नहीं दिया है, बट हमें टेन में पता है कि इसका रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स जाता है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो आएगा कितना, टेन इनवर्स 3, कहीं दिख रहा है, यस बी आंसर करेक्ट है, बी आंसर 90 माइनस टेन इनवर्स 1/3, ये कॉट हो जाएगा, कॉट में आंसर दिया नहीं, इसको रिवर्स कर लेंगे, टेन बना लेंगे, टेन इनवर्स 3 हो जाएगा, और टेन इनवर्स 3 ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार और अच्छे से देख लेना, ठीक है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चन आप बना पाओगे। कह रहा है द सर्कल ऑफ रेडियस 6 यूनिट टचेज द क्वाड्रेंट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा द इक्वेशन ऑफ इट्स इमेज इन द लाइन मिरर y इक्वल टू 0, अच्छा ये दिया है, साथ में टच भी कर रहा है, इस तरह से एक सर्कल दिया है, है ना, इसकी इमेज y एक्सिस है, y एक्सिस, अच्छा टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है ना, y एक्सिस को टच कर रहा है, यस ये सर्कल हमारा y एक्सिस को टच कर रहा है, स्पर्श करता है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 इकाई है निर्देश, अच्छा दोनों को टच करता है, दोनों को टच करता है बेटा, ये ऐसे ये, तो जब दोनों को टच करेगा, अच्छा तो आपको बताना है कि y एक्सिस को मिरर मानकर जब कर रहे हैं तो ये प्रतिबिंब इस तरह बनेगा, इसका समीकरण बताना, ये जो हमें डॉटेड लाइन से कर दिया, डॉटेड लाइन से जो हमने दिखाया है, तो ये अब देखो ये क्या है, ये 6.6 मानोगे क्योंकि इसकी रेडियस ये है, रेडियस क्या 6.6, तो इसकी जो रेडियस होगी -6.6 हो जाएगी, होगा ना। और जब सर्कल का सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस तो प्लस का हो जाएगा, प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर,
है ना, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यही हम अप्लाई करते हैं। बस यहाँ भी यही काम करना है, x माइनस है तो प्लस होगा, x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस, इसको एक्सपेंड करो, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 12x के दिख रहा है माइनस का 12y, 36 एक 36 कटेगा 36 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x, यस सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ज्योमेट्री है, जब तक पिक्चर नहीं बनाओगे तब तक क्लियर क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि सदिश, ये दो सदिश दिया, इनके मध्य का कोण दिया हुआ है, ये दो सदिश दिया है, इन दोनों सदिश के मध्य का कोण, भाई मध्य का कोण पता, थीटा पता है, तो हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन ए मॉड ऑफ बी, चलो ए डॉट बी निकालोगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी चार माइनस चार, अरे भाई नीचे कुछ भी रहेगा कोई मतलब नहीं है, ऊपर जीरो आ गया, नीचे समथिंग कुछ भी रहे ऊपर जीरो आ गया तो जीरो हो जाएगा, इन थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, बताना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा बताना है, साइन 91 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो, आंसर इज सी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से समतल 3x माइनस 4 प्लस 4z इक्वल टू 5 पर डाले गए लंब का दिक् कोज्य बताना है, यानी डायरेक्शन कोसाइन आपको पता करना कि डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। तो देख लो पहले पिक्चर से देखते हैं क्या है, ये एक प्लेन है, मान लो इस तरफ प्लेन दिया है, ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि इस लाइन की दिक् कोज्य बताना जो 0,0,0 से पास, ठीक है, और ये प्लेन दिया 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5 दिया है। देखो बच्चा होता क्या है, हमें पता है कि समतल प्लेन का जो dr होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इस लाइन का जो dr होगा ये होगा कि 3, -1, 4 हो जाएगा, ये dr होगा इस लाइन का जो dr है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो यही लाइन है ना, तो इसका जो dr होगा वो 3, -1, 4 हो जाएगा, यानी 3, -1, 4 हो जाएगा। अब इसी का वो निकालना है, क्या एलिमेंट निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, इसके डिवाइड कर लेते हैं इसके रूट से, तो ये 3 अपॉन √26 आएगा, -1 अपॉन √26 आ जाएगा, और ये 4 अपॉन √ के अंदर 26 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो अच्छा ये तो होगा नहीं, तो यहाँ 3 अपॉन में ये और ये, यस यस ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा एक समतल दिया है कि प्रच्छेदित रेखा से होकर जाने वाले समतल के समांतर है, अच्छा समतल के समांतर है, तो दो प्लेन के प्रच्छेदन बिंदु से जाने वाली समतल का समीकरण कुछ ऐसा लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, और 2x प्लस वाई प्लस का 3z, इस तरह लिख लेते हैं, दो समतल के प्रच्छेदन बिंदु से जाने वाला जो समतल का समीकरण होता है, पहला समतल प्लस लैम्डा टाइम दूसरा समतल बराबर जीरो कर लेते हैं। अच्छा यहाँ से अगर ये काम है कि अगर लैम्डा का मान पता चल जाता तो हम इसके इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ दिया है कि इस समतल के समांतर है, भाई समतल के जब समांतर होता है तो a1 / a2 इक्वल टू b1 / b2 होता है, इक्वल टू c1 / c2 भी होता है, तो समतल के लिए जब समांतर है तो क्या करोगे, इसका a1 क्या आएगा 1 + 2λ आएगा, अपॉन में इसका 1 आएगा, 1 आ गया, इक्वल टू माइनस का 1 + λ का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब लैम्डा का मान चाहिए, आगे लिखो चाहे मत लिखो, है ना, a1 / a2 इक्वल टू b1 / b2, यहाँ से -1 और यहाँ से प्लस का लैम्डा आ गया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर करें 2 आ जाएगा, और ये करेंगे तो आएगा, देख लेते हैं क्या आ रहा, ये आएगा a1 / a2 यानी 1 + 2λ / 1, ठीक है, -1 + λ / 1, ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा 1 + 2λ
माइनस का वन प्लस का लैम्डा, ठीक है, इसको जैसे करेंगे लैम्डा हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो माइनस का टू हो जाएगा। अब लैम्डा का मान टू आ गया माइनस का, तो यहाँ रखना है हमें, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर क्या रखना है, माइनस का टू रखना है। माइनस टू रख कर देखते हैं कितना आ रहा है, माइनस टू रख कर देखो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा ओवरऑल, इसको हटा दे थोड़ा सा, यहाँ पर हटा दें, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस थ्री जेड माइनस का फोर, ये आएगा माइनस का दो आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स प्लस का वाई प्लस का थ्री जेड माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पर x माइनस का तीन एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस का वाई और माइनस का टू वाई माइनस का थ्री वाई, अच्छा थ्री जेड और ये माइनस का सिक्स और प्लस माइनस का थ्री जेड, यानी एक्स वाई जेड तीनों बराबर होंगे, अच्छा माइनस का एट और यहाँ पाँच दस माइनस का प्लस का छः आ जाएगा बराबर जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया तीन से तीन माइनस थ्री से डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर टू आएगा, ये आना चाहिए टू, ये टू है, यस ये आंसर करेक्ट हो जाए। इस तरह 25 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन। एक बार जब ICG GD का पेपर देने जाना बच्चा तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये नहीं कि किस सेट में आएगा, बस इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको प्रॉपर रूप में इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ठीक है, और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करना, अपने को जज करना है ना यार, हम पढ़ते जा रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा कि आगे क्या होना है, तो इस तरह से अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए रहोगे तो क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि हम कितना कुछ अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन है कि नहीं है, या फिर हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जहाँ हम दो घंटे चार घंटे पढ़ रहे हैं वहाँ आठ आठ दस दस घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप टेस्ट दोगे ना तभी आपको एनालिसिस होगा, आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो बच्चों जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, ठीक है, इससे आपका स्कोर पता चलेगा, टेस्ट सारा कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो बाकी जो है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, चलो बाकी जो है नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।